सहकारिता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने आम बजट को आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण पूरा होते ही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से शहरों और गाँव का फर्क मिट जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, बजट से गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं का विस्तार होगा। इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान है। गांव में किसानों को भंडारण सुविधा और उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी के साथ लोन दिया जाएगा। इससे गांव में युवाओं को नौकरी के लिए शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा। वे गांव में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकानों में रहकर अपने गाँव के उद्योगों में ही काम कर सकेंगे। गांव में अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। आज भारत सरकार का जो बजट बहन वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये 34,50,000 करोड़ का बजट है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, किसान की आय दोगुना करने का, ग्रामीण अधोसंरचना का, विकास का, गांव को आजादी दिलाने का, वो पूरा होगा। और इससे गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब हमारे गांव भी शहर जैसे होंगे। गांव में जो सुविधाएं अभी तक नहीं थी वो सारी सुविधाएं गांव में और किसानों को और मजदूरों को मिलेगी। यानी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिए 3,28,000 करोड़, हर घर नल से जल अभी तक शहरों में मिलता था लेकिन अब गांव के, हिंदुस्तान के गांव, मजरे, टोले सबको मिलेगा और उससे भी 3,00,000 करोड़ से अधिक का बजट। और किसानों की आय दोगुना हो, किसान आत्मनिर्भर हो, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 40,000 करोड़, किसानों को 16,50,000 करोड़ का सस्ते ब्याज पर 0% ब्याज पर ऋण और किसान की फसलें निर्यात करने के लिए 22 फसलों को छूट और 2.5% और 4% कृषि सेस लगाया डीजल पेट्रोल पर, जिससे जो पैसा करोड़ों रुपए मिलेगा, हजारों करोड़, वो किसान के और खेती के विकास के लिए होगा। और इसलिए अब किसान घाटे की खेती नहीं करेगा बल्कि लाभ की खेती करेगा। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेगा और उससे गांव और शहर का भेद खत्म होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।